वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट या फिर भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाली गई मोर देन 56,000 पोस्टों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी प्रोसेस कहीं कहीं पेज मीन्स किसी किसी स्टेट में जो है कंप्लीट हो चुकी है, बट जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक पेंडिंग थी। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो कब लगने जा रहे हैं उसके बारे में और कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं उसके बारे में हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है ग्रामीण डाक सेवक GDS रिक्रूटमेंट 2020, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ी की, तो फ्रेंड्स फ़ी जो है यहाँ पे जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹100 है, SC ST के लिए 0 है, PH के लिए भी 0 है और आर कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 है, ठीक है। उसके बारे में चलते हैं। अभी जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी हैं, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली लिखा है टोटल वैकेंसी 56,225। बट फ्रेंड्स बुरा नहीं मानना, ये सारी की सारी पोस्टें जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हैं। इसमें बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो सभी स्टेट्स के लिए थी और वहाँ पे लगभग ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है, बट जम्मू कश्मीर में अभी तक पेंडिंग थी। सो यहाँ पे आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कब से इसके फॉर्म जो है वो लगने शुरू हो रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा है जम्मू एंड कश्मीर साइकिल 3 30 अक्टूबर, यहाँ पे 266 पोस्टें हैं और 30 सितंबर 2021 से लेके 29 अक्टूबर 2021 तक जो है इसके फॉर्म लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइकिल 3। यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, 266। उसके बाद में आगे चलते हैं, कहीं पे जम्मू कश्मीर और लिखा है, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर 4, हाँ तो यहाँ पे 442 पोस्टों के ऊपर ऑलरेडी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्टें थी वो फ्रेंड्स यहाँ पे 266 पोस्टें हैं टोटल नंबर ऑफ, जिनके ऊपर जो है अभी रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। तो 266 पोस्टें बहुत होती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो निकली हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है जो पोस्ट मास्टर होता है, उसके बाद में असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और उसके बाद में है यहाँ पर डाक सेवक। ये पोस्टें हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में या फिर डाक विभाग में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, मिनिमम 10th है और उससे ऊपर जो है कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कुछ भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप साइबर कैफ़े में जाइए या फिर खुद जो है अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो इस फॉर्म को पक्का फिल कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।